लोक आस्था और 3 दिन के निर्जला उपवास के महापर्व छठ पूजा मंगलवार के नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा। लिहाजा गिरिडीह नगर निगम अपने दर्जन भर छठ घाट की साफ सफाई में जुट चुका है। सोमवार को ही कई घाटों में जेसीबी और मजदूरों से युद्ध स्तर पर सफाई का काम करवाया गया। यहां तक कि शहर के प्रमुख छठ घाट में से एक अर्घा घाट का दशकों से जिम्मेदारी उठा रहे मकतपुर छठ पूजा पंडाल के सक्रिय सदस्य विश्वनाथ शर्मा और सतीश साहू ने न्यूज विंग से बातचीत के क्रम में साफ सफाई अभियान को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि निगम का पूरा सहयोग मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बालू माफियाओं के कारण घाट तैयार करने में परेशानी जरूर हो रही है क्योंकि नदी में बालू ही नहीं है, लेकिन सफाई अभियान जारी है। वहीं शास्त्री नगर छठ घाट के सदस्य रंजय बरदियार ने भी घाट की सफाई अभियान को लेकर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि शास्त्री नगर घाट अगले 3 दिनों में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा क्योंकि इस नदी में एक अस्थायी सेतु का निर्माण किया जा रहा है जिसके दोनों ओर घाट सजाए जाते हैं। रंजय बरदियार ने कहा कि शास्त्री नगर के अमित बरदियार घाट में एक साथ 10 मोहल्ले के 25,000 से अधिक व्रतियों की भीड़ जुटती है, लिहाजा उसी अनुसार घाट तैयार किया जा रहा है। शास्त्री नगर में छठ घाट का सफाई व्यवस्था चल रहा जी, क्या कैसा है व्यवस्था? देखिए, व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत है या नहीं? नहीं, नगर निगम का टीम लगातार 10 दिन से साफ सफाई का काम, सड़क पर जो जितना है घास छिलना, नाली साफ से पहले हो चुका था। एक्चुअली क्या होता है कि अमित बरदियार छठ घाट में हमेशा एक हम लोग पुलिया निर्माण करते हैं, उसमें भीम पाए बोल्डर सब डाल के उसको, ताकि छठवर्ती को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, और उन्हीं के मतलब व्यवस्था में थोड़ा सा समय लगता है। और लगभग 3 दिन से नगर निगम के द्वारा जैसे भी चला कर उसको हम लोग तैयार करके, और ताकि छठवर्ती उधर चले जाए, अपना किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। साफ सफाई नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छे से हो रहा है सब। इसके लिए हम नगर निगम के सारे कर्मचारी या पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं कि समय से पूर्व भी हर साल की तरह इस साल भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पहले अरब के शाम तक ये उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। सारे नगर निगम के सारे कर्मी यहाँ उपस्थित है और देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। व्रतियों को जो परेशानी होता है रख देने में या पूजा अर्चना करने में या छठ घाट तक आने में, उस परेशानी को देखते हुए सवाल उठ रहा है? नहीं, वो पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। और हमारे जो छठ घाट समिति के जो सदस्य हैं, उन लोग भी बहुत सक्रिय रहते हैं इस समय, और जहाँ किसी प्रकार का हर साल के भांति इस साल भी बहुत अच्छे तरह से। कितने कितने की संख्या में जुड़ गए छठ व्रती और किस किस इलाके से आते हैं? देखिए, पूरा सब लेके जितने 10 से 12-15 हज़ार के तो भीड़ तो यहाँ रहती ही है। और कृष्णा नगर, आपका देवनगर, शास्त्री नगर, और किससे बार लोग यहीं पर आते हैं डाला लेकर, 4-5 मोहल्ले के लोग जी। हाँ, बिल्कुल। इस साल जो है नगर निगम की द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था बहुत काफ़ी पहले से शुरू कर दी गई है, और अभी काम जो है हम लोग देख रहे हैं कि जो है काफ़ी सुंदर ढंग से काम हुआ है। घाट पर भी सब कुछ काम हुआ है, खाली बात रह गई है घाट बनाने का। जहाँ पर जो है नदी में बालू तो है नहीं, माफिया लोग छोड़ते हैं नहीं, जिसके वजह से परेशानी लोगों को हो रही है। बालू रहने से घाट बनाने में दिक्कत नहीं होती है, अब बालू नहीं है, अब कहाँ से मट्टी लाएं, कहाँ से बालू लाएं, इसके वजह से परेशानी हो रही है। नगर निगम के लोगों को भी हो रही है और हम लोग को भी हो रही है, कैसे छठवर्ती लोग वहाँ पर जो है डाला रखेंगे, कैसे अरघ देंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे। लेकिन और जो है सुचारू ढंग से काम हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब तरह की पूरा है, मनकामना सबकी पूरी हो, और छठ त्यौहार बहुत बढ़िया से हो रहा है, सारे लोग लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त मगतपुर छठ पूजा समिति के ही दूसरे सक्रिय पदाधिकारी सतीश साहु हैं, आइए उनसे भी समझते हैं क्या ये व्यवस्था जो है वो काफ़ी है या और अतिरिक्त संसाधन की जरूरत है अभी फिलहाल सफाई अभियान को लेकर। नगर निगम के तरफ से सफाई का अभियान जारी है और खूब सुचारू रूप से चल भी रहा है। जो कमी है वो नगर निगम के द्वारा 2 दिन के अंदर में पूरा कर दिया जाएगा। इसके लिए मगतपुर छठ पूजा समिति आभारी रहेगा। और बीच में दो तीन दिन पहले ही विधायक जी आए हुए थे, उन्होंने कुछ निर्देश दिए, जैसे डस्ट का हुआ, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया, चाहे पुल पर सोलर लाइट के बारे में बोला गया है, और बोला कि अगर कोई चीज़ की कमी तो हमने उनसे बोला है कि अगर कोई चीज़ का कमी होगा भैया तो हम आपसे आग्रह करेंगे, जिसको संपर्क करेंगे और उसको जो है सो अपने स्तर से आप उसको देख लीजिएगा पूरा करेंगे।
न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।